गाइस, जब भी मैं कोई भी डॉग ब्रीड लेकर आता हूँ तो यार काफी एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि भाई मेरी छोटी सी कोशिश की वजह से आप लोग को आपकी फेवरेट डॉग ब्रीड मिल जाती है, वो भी काफी अच्छी क्वालिटी में। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि मैं जितनी भी डॉग ब्रीड लेकर आता हूँ सभी की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है, और इस वजह से मेरी सभी वीडियोस पर आप लोग को काफी प्यार मिलता है। वैसे ही ना, कुछ और चैनल्स भी हैं जिनके सब्सक्राइबर्स मुझसे ज्यादा, लेकिन भाई अगर आप लोग उनके व्यूज देखोगे ना तो मुझसे आधे भी नहीं आते, क्योंकि इसी को कहते हैं प्यार और सपोर्ट, और इसी वजह से आप लोग मेरी एक यूट्यूब फैमिली की तरह हो। बस यार यही आशा करता हूँ कि आप लोग अपने भाई को हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और मैं भी आप लोगों के लिए ऐसी तगड़ी वीडियोस लाता रहूंगा। वैसे आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पिटबुल पपीज के बारे में, जिनमें आप लोगों को काफी अच्छी क्वालिटी के पपीज मिलेंगे, और भाई सिर्फ क्वालिटी नहीं बल्कि कलर भी आप लोगों को काफी जबरदस्त मिलने वाले हैं, जिसमें रेड एंड ब्लैक कलर के पपीज भी अवेलेबल हैं। वैसे ओनर के पास मेल फीमेल दोनों ही मिल जाएंगे, आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें परचेज कर सकते हो, और इनमें कुछ पपीज रेड नोज में है और कुछ ब्लैक नोज में। एंड गाइस, पिटबुल में काफी लोगों की डिमांड रहती है कि भाई हमें एक्सेल साइज के पपीज चाहिए। वैसे तो नॉर्मली आप लोग जितने ही पपीज देखते हैं वो स्टैंडर्ड साइज में, लेकिन भाई ओनर ने मुझे बताया कि जो पपीज है ना ये एक्सेल साइज में, लेकिन पपीज को परचेज करने से पहले पेरेंट्स को आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि उन्होंने मुझे सेंड नहीं कर रखे तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा। तो भाई बहुत से लोग मुझे पर्सनली कॉल करके पूछते हैं कि भाई पिटबुल किस टाइप की डॉग ब्रीड है और क्या वो हमें परचेज करने चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ओनर्स है। वैसे तो ये चीज मैं मेरी काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर कर देता हूं। तो देखो भाई, पिटबुल आप लोगों को दो टाइप्स के मिलते हैं, एक हॉट ब्लड लाइन से जिसमें मदर और फादर दोनों फाइटर लाइन से होते हैं, तो वो पपीज थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं, तो उन पपीज को तो वो लोग परचेज करें जो फाइटिंग का शौक रखते हैं या फिर जिन्हें अग्रेसिव डॉग ब्रीड चाहिए। लेकिन दूसरे जो नॉर्मल पिटबुल पपीज होते हैं भाई उन्हें कोई भी परचेज कर सकता है, लेकिन भाई उनके साथ आप लोगों को सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करना होता है उन्हें अच्छे से सोशलाइज और ट्रेन करने के लिए, तो वो आप लोगों के काफी अच्छे कंपेनियन डॉग बन सकते हैं। तो कोशिश करें जितना भी टाइम हो आप लोग इनके साथ स्पेंड करें, इन्हें अच्छे से ट्रेन करने की कोशिश करें। वैसे ये चीज मैं सिर्फ पिटबुल के लिए नहीं कह रहा, बल्कि कोई भी डॉग ब्रीड परचेज करो उनके साथ आप लोगों को टाइम तो स्पेंड करना ही चाहिए, क्योंकि भाई उन्हें भी आप लोगों के प्यार और आप लोगों के अटेंशन की जरूरत होती है। वैसे जिनके पास एक्सरसाइज के पिटबुल पपीज होते हैं ना वो थोड़े एक्सपेंसिव प्राइस में आप लोगों को मिलते हैं, लेकिन उन्होंने काफी डिसेंट सा प्राइस रखा है। वैसे अगर इनमें फीमेल के प्राइस की बात करें ना तो उन्हें जो फीमेल के प्राइस की डिमांड की है वो के जस्ट 6000 पीस, यानी सिर्फ 6000 रुपए। और गाइस पिटबुल ही नहीं, अगर आप लोगों को कोई भी डॉग ब्रीड चाहिए ना आप लोगों के बजट में, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को अपनी फेवरेट डॉग ब्रीड आप लोगों के बजट में दिलवा दूंगा। वैसे अगर इन पिटबुल पपीज की एज के बारे में बात करें ना तो ये 33 डेज के हो चुके हैं, एंड ओनर की जो लोकेशन है भाई वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। एंड डोंट वरी गाइस, निराश नहीं होने दूंगा, डिलीवरी आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर, या फिर आप लोग डायरेक्ट ओनर को विजिट करके ही परचेज कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, आप लोग जिसे चाहे उसे चूज कर सकते हैं। एंड फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो फीमेल पपी का प्राइस तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूं, तो अगर मेल के प्राइस की बात करें तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की है भाई वो की है 8000 पीस, यानी 8000 रुपए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि प्राइस फिक्स है, तो प्राइस में आप लोग बारगेनिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत प्राइस कम करा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करके तो यार जरूर जाएं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।